ग्रहण कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी नाम बिना सुमरण कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी नाम बिना सुमरण कर ले पक्षी पंख बिन हस्ति दंत बिन पक्षी पंख बिन हस्ति दंत बिन नारी कंत बिना पक्षी पंख बिन हस्ति दंत बिन नारी कंत बिना वेश्या पुत्र पिता बिन हीना वेश्या पुत्र पिता बिन हीना वेश्या पुत्र पिता बिन हीना वैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरे बीती उम्र हरि नाम बिना रे सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले काम क्रोध मद मोह निवारो छाण दे लोभ तू संत जना कह नानक सुमिरो भगवंता या जग में नहीं को अपना। ऐसे गुरबाणी में बड़ा सुंदर विचार हम लोगों को दिया गया। तो मैं आपको सुखदेव जी की बात फिर आगे कहूँगा कि सुखदेव जी महाराज व्यास जी को छोड़कर और गुरु बनाने कहाँ गए। देखो हमारे मैं आपको बताऊंगा 14 तारीख को गुरु पूजा में कि हमारे गुरु कौन है। सबसे गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं भगवान। भगवान के शिष्य हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के शिष्य हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के शिष्य हैं शक्ति, शक्ति के हैं पराशर, पराशर के हैं व्यास जी, व्यास जी के हैं सुखदेव जी, और सुखदेव जी के आगे फिर परम्परा बदल जाती है वैष्णवों की और सन्यासियों की। सन्यासियों की परम्परा में गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के गोविंद पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य के शंकराचार्य, शंकराचार्य के हस्तामलकाचार्य, पद्मपादाचार्य, तोटकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, चार आचार्य हुए, और उनके भी फिर गिरी, पुरी, भारती, वन, पर्वत, अरण्य, तीर्थाश्रम, सरस्वती, ये 10 नाम के महात्मा हैं। और वैष्णवों में फिर परंपरा अलग है। तो ये एक गुरु परंपरा मैंने आपको बताई। तो इसमें हमारे सुखदेव जी ने व्यास जी, व्यास जी कहते हैं मैं तो संसार का गुरु हूँ, बोले मुझे आपके पास दीक्षा नहीं लेनी। पैदा होते ही भाग लिए, बोले कहाँ जाते हो, बोले मैं गुरु के पास, बोले गुरु कौन है, आगे आप कथा सुनाएंगे हम आपको। व्यास जी के लड़के ने गुरु बनाया जनक जी को, और जनक कौन है, गृहस्थी हैं, परिवार वाले हैं, राजा है, इतना बड़ा घर है। तो हम लोग ये भ्रम निकाल दें कि हम तो महाराज गृहस्थी बंदे हैं, असी कैसे कर सकते, कोई कहे हम पूजा कैसे कर सकते। तो बड़े, इतने बड़े महापुरुष व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी एक गृहस्थी के पास, उसमें गीता में भगवान ने उदाहरण दिया जनक जी का, कर्म नैव संसिद्धिं प्राप्नुयुः जनकादयः, बोले कर्म से सिद्धि मिलती है, कर्म छोड़ के भागने से सिद्धि नहीं मिलती, कर्म करो, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करना इंसान, ये गीता का गया। तो बोले देखो किसने प्राप्त की, बोले जनक ने, राजा जनक, और सुखदेव व्यास जी का लड़का, और व्यास इतने बड़े पंडित, लेकिन छोड़ के बोले पिताजी तुम्हारे बस की नहीं है मुझे ज्ञान देना, मुझे तुमसे ज्ञान नहीं लेना, तुम्हारे पास है क्या, माने प्रैक्टिकल नहीं है तुम्हारे पास, पढ़ाई लिखाई है, तो पढ़ाई लिखाई को पहले प्रैक्टिकल में लाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम विश्राम दें, आरती सबको पुस्तक दे दीजिए।